जय हिंद गाइस। 1.52 रुपए का यह पेन स्टॉक क्या मल्टी बिलियन बनाकर दे सकता है, क्योंकि गाइस अभी इस पेन स्टॉक के पीछे सारे दुनिया इस स्टॉक को खरीदने के पीछे पड़ी हुई है। अच्छा खासा वैल्यू इस कंपनी में जनरेट हो रहा है। वही रिटर्न की बात करें गाइस, कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों के यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न ओन बेस के अंदर पे आउट किया है, जो कि 850% का पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिया है। और कंपनी में एक बहुत बड़ी बिग न्यूज निकल आई है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी पर कंपनी यहाँ पर जो कि वर्क करने जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर यह शेयर लगातार तेजी आई है और ऊपर की तरफ भाग रहा है गाइस। तो वैसे तो स्टॉक मार्केट में काफी लोगों को या सभी को पेन स्टॉक की तलाश होती है, जैसे कि राकेश जुनवाला जी ने टाइटन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था जब काफी कम प्राइस था, जब कंपनी किसी जमाने में पेन स्टॉक थी और फिर अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया और वो वेल्थ क्रिएट किए वहां से। तो इसी प्रकार सब कोई चाहता है कि कोई ना कोई पेन स्टॉक मिल जाए और वह अच्छा खासा रिटर्न दे जाए और उनका वेल्थ क्रिएट हो जाए। तो गाइस पेन स्टॉक तो हर साल कोई ना कोई कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि बड़ी कंपनियां बनती हैं। जिस प्रकार समुद्र में छोटी मछली बड़ी मछली बनती है, वैसे यहां पर भी स्टॉक मार्केट में हर साल कोई ना कोई छोटी कंपनी बड़ी कंपनी बनती है, लेकिन हमें उसको पर होल्ड करके रखना या लंबे समय तक वेट करना यह पॉसिबल नहीं होता है गाइस। इसी कारण से हम उसको बेच कर निकल जाते हैं और यह कंपनी आगे चल के बड़ी कंपनी बन जाती है। तो आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में हर साल ऐसे कई छोटी छोटी कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियां बनती हैं और यह सिलसिला गाइस आगे भी चलता रहेगा। आइए जानते हैं कंपनी का क्या न्यूज है। तो कंपनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन मोबिलिटी सोल्यूशन और देश भर में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा निवेश प्रोग्राम स्थापित किया है, जो कि कंपनी यह फ्यूचर बिजनेस पर कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। यह परियोजनाओं कंपनियों को ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन लागू करने में सहायक प्रदान करेगी, और क्योंकि गाइस यहाँ पर ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर गवर्नमेंट का भी काफी ज्यादा सपोर्ट है। यहाँ पर टारगेट बना रखा है कि 2030 तक हमको इतना करना है, ग्रीन एनर्जी की बात हो गाइस चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो, तो गवर्नमेंट का इसमें काफी ज्यादा सपोर्ट है। जो कि कंपनी यहाँ पर सोलर पैनल और रिन्यूएबल एनर्जी को स्थापित करने वाली परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण फंड प्रदान करेगी यह कंपनी, और क्योंकि अभी भारत में 2023 तक 68 गीगा वाट से ज्यादा तकरीबन यहाँ पर सोलर एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको गवर्नमेंट चाहती है कि 2030 तक 500 गीगावाट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अभी रिन्यूएबल एनर्जी पर। और गाइस इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें गाइस, तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि कार्बन उत्सर्जन अभी भारत में 14% का है, 14% का कार्बन उत्सर्जन है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इसको कंट्रोल करेगी। गवर्नमेंट चाहती है कि जो 2030 तक हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल 30% हो जाए और जो कि डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो कम हो जाए, जिससे हमारे देश का जो कार्बन उत्सर्जन कम हो जाए, जिससे प्रदूषण भारत में कम हो। तो यही कारण है गाइस कि इस पेन स्टॉक पे खरीदने के लिए काफी उड़ मची है। यह एक प्रकार की NBFC कंपनी है। तो आइए जानते हैं कंपनी का फंडामेंटल और बिजनेस क्या है। जैसे गाइस देख सकते हैं कंपनी 1987 से यहाँ पर काम कर रही है, स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड, और कंपनी NBFC कंपनी है एक प्रकार की, और मार्केट कंपनी का 263 करोड़ का है गाइस। तो काफी छोटी कंपनी है और ग्रो होने के लिए काफी स्पेस है, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छे से ग्रो होता है तो गाइस तो अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकती है, लेकिन इसमें बहुत सारे कारण भी हैं जिसको आगे हम समझेंगे गाइस। तो हाई लगाया था 3.52 का और लो लगाया था 1.35 का, और स्टॉक का भी 26 का है गाइस, जबकि NSTP देखे थे, NSTP यहाँ पर 23.2 का है। तो उस हिसाब से NSTP के आसपास ही स्टॉक का भी है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक वैल्यू 1.10 रुपये का है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक भी आप 1.52 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, अच्छे रेट पर स्टॉक वर्तमान में मिल रहा है। वही कंपनी का ROE भी यहाँ पर ठीक ठाक नजर आ रहा है गाइस, क्योंकि काफी छोटी कंपनी है और पहली स्टॉक है, तो 8.18 का 6.88 का होना काफी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का यहाँ पर ROE प्लस में है। वैसे तो 20 से ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है गाइस। 1 रुपये फेस वैल्यू की कंपनी यहाँ पर, और सेल्स कंपनी 1 वर्ष का 30.2 करोड़ का जनरेट करती है गाइस, अच्छी बात है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी कंपनी है तो उसी हिसाब से अपना सेल्स जनरेट कर पा रही है। लेकिन सबसे इसमें कंपनी में प्रॉब्लम है, 248 करोड़ का कंपनी में कर्ज है, जो कि यह माइनस पॉइंट हो जाता है गाइस, क्योंकि कंपनी में इतना ज्यादा कर्ज होना काफी माइनस पॉइंट है, कि कंपनी का मार्केट कैप ही इतना है, इसके आसपास ही है, तो इतना ज्यादा कंपनी में कर्ज होना काफी माइनस पॉइंट है, क्योंकि कंपनियां इसी कर्ज में दब करके खत्म हो जाती है गैस और अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाती है गैस। तो कर्ज कंपनी में कम होना चाहिए, लेकिन इसके मुकाबले कंपनी में रिजर्व अच्छा खासा हो तब भी चल जाए, लेकिन यहाँ पर रिजर्व भी बहुत कम है, 14 करोड़ का ही मात्र रिजर्व पड़ा होगा, जो काफी माइनस पॉइंट है। और कंपनी जो कि 1 वर्ष के अंदर आप देख सकते हैं 129% का
आया है, जो काफी अच्छी बात है, और प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा आया है, तो ये यहाँ पर अच्छा खासा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 14.9% की प्रमोटर की होल्डिंग है, क्योंकि गाइस ये चीज याद रखना है, जो कंपनी ग्रो करती है, अच्छा खासा रिटर्न बना कर देती है, चाहे टाइटन की बात करो, चाहे एमआरएफ की बात करो, किसी भी कंपनी की बात करो, जो छोटी कंपनी थी, तो प्रमोटर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रमोटर की अगर होल्डिंग किसी भी कंपनी में 50% के आसपास है, 50% के आसपास है, तो उस कंपनी को हम मान सकते हैं कंपनी आगे ग्रो करने वाली है और ग्रो कर सकती है। और ऐसी ही कंपनियां ग्रो करती है जिससे प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक हो गैस। और यहां पर कंपनी में जो कोई FIDIs के ऊपर कोई भी होल्डिंग नहीं है गैस, और फ्री कैश फ्लो कंपनी के यहाँ पर माइनस में है। और जो मैं आपको बता रहा था कंपनी में कि बैलून अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर इस छोटी सी कंपनी में, मतलब कि इस पाइनी स्टॉक को खरीदने के लिए अभी होड़ मची हुई है गैस, और सब लोग यहाँ पर खरीदने के लिए तैयार। वही कंपनी की प्रॉफिट लॉस की बात करें गाइस, जो पूरे साल का होता है गाइस, दे सकते हैं कंपनी की जो प्रॉफिट लॉस 0.16 करोड़ कंपनी यहां पर प्रॉफिट सेल्स जनरेट करती थी, जो कि अभी वर्तमान में बढ़ के सेल्स होगा 30.70 करोड़ कंपनी का सेल्स हो गया गाइस। तो यहां पर काफी अच्छी बात है, कंपनी का सेल्स जनरेट हो रहा है और बढ़ रहा है, इसी कारण से कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट जो कि अभी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, देख सकते हैं पहले 0.03 और मतलब बहुत कम कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करती थी, लेकिन अभी देखेंगे 10.71 और इस साल देखेंगे 9.90 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया गया है। तो काफी प्लस पॉइंट है इस कंपनी में कि कंपनी अपने प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, और जिससे इस कंपनी ने 5 ईयर और 3 ईयर के अंदर अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न भी बना कर दिया गया, जिसमें ऐसे कोई इशू यहाँ पर नहीं आया है। और कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है इस छोटी सी कंपनी का, जो कि काफी प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। लेकिन बैलेंस शीट कंपनी की यहाँ पर काफी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व कंपनी में बहुत कम है, 14 करोड़ का है, और कर्ज अच्छा खासा भरा पड़ा है, जिसके कारण कंपनी ने अभी यहाँ पर देख सकते हैं, अब कंपनी ने जिस कारण से कर्ज लिया हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर कर्ज लिया है, काफी ज्यादा कर्ज लिया, जो कि यहाँ पर माइनस पॉइंट कंपनी के लिए हो जाता है गाइस। वही प्रमोटर होल्डिंग की बात करें गाइस, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग किसी भी कंपनी में ग्रोथ करने के लिए काफी अहमियत रखती है गाइस, किसी भी कंपनी को प्रमोटर को ही बेचकर निकालना काफी माइनस पॉइंट हो जाता है। देख सकते हैं 70.74% की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो प्रमोटर ने फिर से यहाँ पर बेच करके 14.86% की प्रमोटर होल्डिंग बची गाइस। तो अगर कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छा बिजनेस कर रही है, अब फ्यूचर में अच्छा बड़ी कंपनी बन सकती है, तो प्रमोटर ही क्यों बेचकर निकल रहे हैं, जबकि उनको सबसे ज्यादा पता है, फिर आम इन्वेस्टर इसमें क्यों पीछे से टूट पड़ा है गाइस। तो गाइस प्रमोटर को बेचकर निकलना काफी माइनस पॉइंट होता है, ये चीज आपको याद रखना होगा गाइस। और पब्लिक 85.12% की होल्डिंग है, तो गाइस ऐसी छोटी कंपनियां जो न्यूज में आती है और अपॉर्चुनिटी लगता है, और इसमें पंप और डंप भी किया जाता है गाइस, तो आपको अलर्ट होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक रिसर्च जरूर कर लेना चाहिए गाइस। ये वीडियो ऊपर एजुकेशन पर्पज के लिए, धन्यवाद।